क्योंकि मैंने 9 साल में मैट्रिक कर लिया था, मैं दुनिया में सबसे कम उम्र का मैट्रिकुलेट था उस वक्त, गिनीज बुक में मेरा नाम आया था। मेरे पापा खुद हैरान थे कि एक 5 साल का बच्चा इतना तेज गुना भागा कर रहा है, तो पापा ने सोचा कि ये नॉर्मल स्कूल में मतलब एडजस्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे स्कूल जाने में भी उतना मन नहीं लगता था। सर रिसर्च में मैं बेसिकली तो सर एक क्वांटम कंप्यूटर बनाना चाहता हूँ। मैं फिजिक्स का विद्यार्थी रहा, फिजिक्स प्रोफेसर, मैं लॉ पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने 9 साल में मैट्रिक कर लिया था, मैं दुनिया में सबसे कम उम्र का मैट्रिकुलेट था उस वक्त, गिनीज बुक में मेरा नाम आया था। फिर 10 साल में BSc कर लिया, 11 साल में MSc कर लिया, ये सारा वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो मेरे ख्याल से इस वजह से, इस उपलब्धियों की वजह से मुझे नेशनल चाइल्ड अवार्ड भी मिला, गिनीज बुक से सर्टिफिकेट भी मिले कि आपका ये रिकॉर्ड विश्व रिकॉर्ड है। तो चूँकि मैंने काफ़ी कम उम्र में सारी शिक्षा की जो डिग्रीज है वो हासिल करते गए, तो इसीलिए जनता के बीच, मीडिया के बीच, लोगों के बीच शायद मैं कौतूहल का विषय रहा। जब से मैंने होश संभाला, जब मैं 5 साल का था, 6 साल का था, तब से ये इसको गॉड गिफ्टेड टैलेंट ही कहा जा सकता है कि मैं बहुत ही तेज गुना भाग कर लेता था। जैसे 2 5-डिजिट नंबर्स हो, फॉर एग्जांपल 52,323 व्हाट वुड बी द आंसर, है ना, मैं इसे दिमाग में कर लेता था बिना कैलकुलेटर को यूज़ किए। क्या अभी आप कर सकते हैं? सर अभी मैं नहीं कर सकता। अच्छा, उस हिसाब से मैं बूढ़ा हो गया। तो ये मैं सिर्फ बचपन में कर सकता था। इनफैक्ट जब से मैंने जब पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस किया, तो चूंकि ये प्रैक्टिस छूटता गया और मुझे शायद इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ये 94 से मैं करता था, 94 से 97 मैं मीडिया में इसी चीज़ के लिए था। उस वक्त मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया था, मैं इसी चीज़ के लिए था, मुझे मैथमेटिकल विज किट कहा जाता था। और इसी आधार पर एक्चुअली मुझे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने परमिशन भी दी। जब ये टैलेंट, जो जिसे मैथमेटिकल मेंटल कैलकुलेशन कहा जाता है, ये टैलेंट जब अखबारों में छपना शुरू हुआ, तो मुझे माननीय डॉक्टर बिंदुसो पाठक जी, जो सुलभ के फाउंडर हैं, उन्होंने मुझे दिल्ली बुला लिया कि अपने पैसे पे स्पॉन्सर करके कि आपके जैसे टैलेंट को दिल्ली में ज़्यादा एक्सपोजर का, ग्रोथ का प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो इसलिए फिर मैं दिल्ली शिफ्ट कर गया था और मैंने 10th फिर मैंने दिल्ली से किया। पापा खुद हैरान थे कि एक 5 साल का बच्चा इतना तेज गुना भागा कर रहा है, तो पापा ने सोचा कि ये नॉर्मल स्कूल में मतलब एडजस्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे स्कूल जाने में भी उतना मन नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि मैथ्स की सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा हायर स्टडीज़ का पढ़ रहा था और वो स्कूल का जो मैथ्स है मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था, बाकी सब्जेक्ट्स में मुझे खास इंटरेस्ट नहीं था, मुझे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ही अच्छा लगता था। 28 मई 1994 जनसत्ता में मेरा पहला जो है फ्रंट पेज पे छपा था मेरे टैलेंट के ऊपर, जिसका शीर्षक था बिहार की कोख में पढ़ रहा है एक और विलक्षण गणितज्ञ। ये 28 मई 1994 को छपा था। तो उसके बाद से ही मुझे बहुत जगह से सपोर्ट आना शुरू हो गया, जिसमें से एक माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, जो उस वक्त तत्कालीन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री भी थे, उन्होंने मुझे अपने बंगला में 3 जून 1994 को खाने पे बुलाया, 2 घंटा रखा, काफ़ी इंक्रीज किया, मुझे कैश अवार्ड भी दिए, कंप्यूटर भी दिए, बहुत कुछ गिफ्ट वगैरह दिए, तो वो भी एक अच्छा प्रोत्साहन था। बस ये करने से मुझे खुशी नहीं मिल रही थी, मैं चाहता था कि मैं जो मेरा जो मैथ्स का जो स्पेशल टैलेंट है, मैं कुछ बड़ा करूं। फिजिक्स में भी मैं जो काम करता हूं, थ्योरेटिकल फिजिक्स, वो बेसिकली मैथमेटिक्स ही, वो बस सब्जेक्ट उसे थ्योरेटिकल फिजिक्स कहा जाता है, वो क्वांटम थ्योरी, आइंस्टाइन थ्योरी, सब मैथमेटिक्स एक्चुअली। तो मैं चाहता था कि मैं कुछ इन सब थ्योरीज में कुछ अपना कंट्रीब्यूट करूं, अगर मुझे ईश्वर ने एक विशेष टैलेंट दिया है तो मुझे उसका उपयोग करना चाहिए। तो इसलिए सर मैं चाहता था मैं सारी डिग्री जो है 10th BSc MSc जल्दी करके मैं अपना PhD शुरू करूँ और रिसर्च शुरू कर सकूँ, और इसलिए मैं 10वीं को काफ़ी कम उम्र में करना चाहता था। लेकिन सर पहले तो मुझे CBSE वगैरह ने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, नियम में नहीं हो सकता कि जब आप 14 साल के नीचे हैं तो मैं आपको मैट्रिक का कैसे परमिशन दे दूँ। तो पहले मायूस भी थे, लेकिन फिर जब हमने मिलना शुरू किया तो हमारी मुलाकात माननीय श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से हुई थी सितंबर 1996 में। उनके PA थे माननीय श्री TN माखन जी, उन्होंने भी मेरा मैथ्स का टेस्ट लिया, वो भी काफ़ी इंप्रेस हुए, उन्होंने ही बोला था कि नहीं ये काम तो होना चाहिए। और फिर मेरा मानना है कि उन्हीं के रिकमेंडेशन पे तत्कालीन माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी उन्हें मुझे लिखित में परमिशन दिया था, मेरा ऐसा मानना है। और फिर जो फिर हम माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में भी गए, तो हमें जो मदद की वो माननीय श्री राम जेठमलानी जी ने मदद किया, क्योंकि वो भी इंप्रेस थे मेरे मैथमेटिकल टैलेंट से और वो भी चाहते थे ऐसा होना ही चाहिए, एज रूल्स जो है उसका कोई स्पेशल केस में इन सबको रिलैक्स करना चाहिए। PhD की पढ़ाई मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से किया, 2002 में मैंने एडमिशन लिया था।
14 वर्ष मेरी उम्र थी, और मैंने रिसर्च किया। जो रिसर्च मैं बचपन से करना चाह रहा था, उस रिसर्च को बहुत ही गहराई में जाके किया। मैंने अच्छा रिसर्च भी किया, तो सर मैंने पीएचडी में तो बड़ा अच्छा काम किया। मैं अमेरिका भी गया, लव ग्रोवर जी, प्रोफेसर लव ग्रोवर जी, जो कि एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मुझे 17 साल की उम्र में अमेरिका बुलाया। एक साल का इन्विटेशन था, मैं 6 महीने के लिए गया, कुछ नियम की अड़चने थी, तो उनके साथ भी काम करने का अनुभव बड़ा अच्छा रहा। सर मेरा तो ये मानना था कि जिस रफ्तार से मैं आगे बढ़ रहा था, अभी तक मैं बहुत कुछ अच्छा कर चुका होता, शायद मैं बहुत बड़ा काम कर चुका होता। मुंबई में या जो समुद्र के जो किनारे जो मौसम होते हैं, चूँकि मुझे एलर्जी का अस्थमा है, तो समुद्र के किनारे जो जलवायु होती है, गर्मी उमस वाली, वो मेरे फेफड़ा पे वो सूट नहीं करता, मुझे उससे एलर्जी है। मेरा इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम जो है, उस जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, उस पर एडजस्ट नहीं कर पाता, तो मुझे सांस लेने में बहुत गंभीर दिक्कत होती है। मुंबई में या मद्रास में, किसी भी या कोलकाता में, जहाँ पे उमस है, मुझे दिक्कत होती है। लेकिन पटना में, दिल्ली में या बेंगलोर में, ये समय मैं बिल्कुल स्वस्थ रहता हूँ। मैंने 4 साल सर्विस किया, 4 साल में धीमे धीमे ये एलर्जी धीमे धीमे बहुत सीवियर होता जाता है, तो 4 साल के बाद मेरा स्वास्थ्य तो बहुत ही ख़राब हो गया था मुंबई में, तो इसीलिए जो IIT मुंबई के जो डायरेक्टर सर थे, प्रोफेसर देवांग ककड़ी, उन्होंने कहा कि आपका केस स्पेशल केस है, और ये मान के चलते हैं कि चूँकि आपने बचपन में इतना पढ़ाई किया, तो हो सकता है उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम बैलेंस हो, तो इसमें प्रूफ की जरूरत क्या है? आपको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं, इसलिए हम आपको 4 साल छुट्टी देते हैं। आप 4 साल में चाहे तो आप दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं, और वो सब मुझे NOC वगैरह सब कुछ मिल गया था अप्लाई करने के लिए। मैं अप्लाई किया अभी, लेकिन भाई आई डोंट नो समहाउ आई थिंक हुआ। हाँ सर, फिर वही 4 साल के बाद 2018 में उन्होंने कहा कि अब बहुत छुट्टी हो गया है, और हम भी ज़्यादा देर तक छुट्टी नहीं दे सकते हैं, तो अब आप काइंडली या तो ज्वाइन कीजिए या फिर रिज़ाइन कीजिए। मैंने कह दिया कि मेरा केस स्पेशल केस है, आप एक बार माननीय राष्ट्रपति जी या जो माननीय शिक्षा मंत्री जी, उनको मेरा केस रेफ़र कर दीजिए, क्या पता शायद हमारे कानून में संशोधन हो जाए और ट्रांसफ़र हो जाए। हालांकि सर अभी मैं कह रहा हूँ कि कानून में संशोधन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने वर्चुअल ट्रांसफ़र नाम का एक कंसेप्ट निकाला है, जो कि बिना कानून में संशोधन किए हुए हो सकता है स्पेशल केसेस में ये, लेकिन उस वक्त की बात में, ये 2021 में ही मैंने ये इस वर्चुअल ट्रांसफ़र को आविष्कार किया था, आप कह सकते हैं। तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि मैं कानून में संशोधन के लिए इंसिस्ट कर रहा था, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, एक आदमी के लिए कानून नहीं बदला जा सकता है। मैं फिजिक्स का विद्यार्थी रहा, फिजिक्स प्रोफेसर, मैं लॉ पढ़ना शुरू कर दिया, उसका कुछ कारण भी मुझे लगा कि मुझे अपने केस को थोड़ा समझना उचित होगा, और तो मैं लॉ ही पढ़ रहा हूँ। और ये लॉ पढ़ने का ही नतीजा था कि मैं समझ में आया कि नहीं, वर्चुअल ट्रांसफ़र नाम का एक चीज़ हो सकता है कानूनी तौर पे, जिस तरीके से 9 साल में मैट्रिक कर सकता है बच्चा, उसी तरह से वर्चुअल ट्रांसफ़र भी हो सकता है, खासकर आज के डिजिटल युग में, जहाँ के आपको खासकर जो वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट जो कोरोना लॉकडाउन में भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था, तो मुझे मुंबई के लिए सर्विस करने के लिए मुंबई में रहने की ज़रूरत नहीं है।